हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और रिफ्लेक्शन के बारे में भी बहुत अच्छे से जान लिया था। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्लेन मिरर्स को भी अच्छे से समझा था। आज हम लोग मिरर का ही दूसरा टाइप है जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर, उसको समझेंगे और उसमें कैसी कैसी इमेजेस फॉर्म होती हैं, उन इमेजेस के फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सीधा हम लोग चलते हैं अपने स्फेरिकल मिरर्स की तरफ। देखो, स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली स्ट्रक्चर में स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं स्फेरिकल? एक स्फेयर का अगर मैं कोई होलो पार्ट कट कर लेता हूं, कैसा पार्ट? होलो पार्ट अगर मैं उसका कट कर लेता हूं और उस होलो पार्ट को एक साइड से पॉलिश कर देता हूं तो वो मेरा बन जाता है स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर बन जाता है बच्चों? स्फेरिकल मिरर। देखो, ये एक स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर को मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने इसका ये वाला पार्ट कट करा, ये वाला, और इस पार्ट को उठाकर यहां रख लिया, इधर की तरफ इस पे पॉलिश कर दी, तो इसका जो इनर पार्ट है वहां पर मैं रिफ्लेक्ट करा सकता हूं। इसीलिए इसको मैं कहूंगा कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर कहूंगा बच्चों? कॉनकेव मिरर कहूंगा। अगर मैं इसका ये वाला पार्ट ले लूं, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट जिसको यहां दिखाया, इसको मैंने कट किया और इसकी इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया। कौन सी सरफेस को? इनर सरफेस को पॉलिश करा, तो ये बन गया कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर बना? कॉन्वेक्स मिरर। देखो जरा ध्यान से, हूज आउटर बल्जिंग आउट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। जिसकी आउटर बल्जिंग आउट सरफेस, जो बाहर की सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग हो तो वो कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर बच्चू? कॉन्वेक्स मिरर। और जिसकी इनर होलो सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो अंदर की तरफ वाली, वो कहलाती है आपका कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। ऑल्दो इनकी यूजेस बहुत है, वो हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे थोड़ा सा, बट ये दो के इमेज फॉर्मेशन बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन मिरर्स से एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना है और समझना है। देखो, मैं आप लोगों को वन बाय वन उन टर्म्स को समझाता हूँ। सपोज करो मैं एक कॉनकेव मिरर लेता हूँ, जैसा कॉनकेव के लिए है वैसा ही कॉन्वेक्स के लिए है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस दोनों में रियलिटी और वर्चुअलिटी का अंतर है। तो उस चीज को हम लोग जब हम करेंगे साथ साथ समझ लेंगे, बट अभी हमें बस ये टर्म्स समझने हैं। टर्म्स दोनों के लिए सेम है। बच्चों देखो, ये मिरर है, इस मिरर के इस पार्ट को, इस मिरर के इस पार्ट को जिसका नाम मैंने एक्स वाई दिया है, इसको मैं अपर्चर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? अपर्चर। द पार्ट ऑफ द होलो सरफेस, द पार्ट ऑफ द होलो सरफेस। सपोज करो मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी, तो ये क्या है? एक अपर्चर है। क्या है बच्चों? अपर्चर है। अगर आप इसके अलावा और भी कुछ ले लें तो वो भी क्या बन जाएगा? एक अपर्चर ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? अपर्चर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखता हूं उसका सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट कहलाता है पोल। क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट पोल कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इसी को ही ऐसे देखूं, बहुत ध्यान से देखिए आप सभी लोग, तो इसका ये सेंटर पार्ट, ये सेंटर पार्ट, ये क्या है बच्चों? सेंटर पार्ट इसका, ये सेंटर पार्ट है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन, जो कि बेसिकली इस सरफेस पर क्या बनाएगी? परपेंडिकुलर बनाएगी। क्या बनाएगी? परपेंडिकुलर बनाएगी। वो ही कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिडल में एक पॉइंट आया है निकल के, उस पॉइंट को मैं कहता हूं फोकस। ये पॉइंट मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा कि वो फोकस है या नहीं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, क्या जाएंगी? जितनी भी लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, वो सारी लाइट रेज पैरेलल जाने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट पर टकराएंगी, वापस आते हुए एक ही पॉइंट पर आपस में टकराएंगी बच्चों। ठीक है, जब ये एक पॉइंट पर आपस में टकराएंगी तो इसी पॉइंट को, जहां ये आपस में टकराएंगी उसी पॉइंट को बच्चों मैं क्या कहूंगा? फोकस पॉइंट। कैसा पॉइंट कहूंगा? पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फोकस पॉइंट। ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? फोकस पॉइंट है। और जब इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट की गई है तो ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट हाफ निकली है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं आर से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा?
आर से। और जब इस लेंथ को मेजर किया गया तो ये पाया गया कि ये जो फोकस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। क्या होती है? हाफ। अगर मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है तो कंफर्म है उसी मिरर का जो फोकल पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, और मैं कह सकता हूँ फोकल लेंथ है, वो क्या होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। और सारे के सारे डिस्टेंसेज मैं कहां से मेजर करता हूँ बच्चों? पोल से मेजर करता हूँ। कहां से मेजर करता हूँ? पोल से मेजर करता हूँ। ये जो हमारी फोकस है ये दो तरह की होती है, एक रियल और एक वर्चुअल। कॉन्केव मिरर की जो फोकस है उसको मैं रियल कंसिडर करता हूँ, और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकस है उसको मैं वर्चुअल कंसिडर करता हूँ। जस्ट बिकॉज कॉन्वेक्स केस में वो बिहाइंड द मिरर होती है और कॉन्केव के केस में वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है। ये बात मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। एज यू ऑल नो हमारा जो मेन फोकस है वो इनकी इमेज फॉर्मेशन पे है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि इमेज तभी बनेगी जब टू और मोर देन टू रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मीट एट एनी पॉइंट, यानी कि दो या दो से ज्यादा रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट होंगी कहां पर? किसी एक पॉइंट पर। तो उसके लिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है बच्चों? रूल्स हैं। सबसे पहले हमें वो रूल्स समझने बहुत जरूरी है। अगर वो रूल्स का अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाती है बहुत ध्यान से तो फिर इमेज फॉर्मेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ध्यान से देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले कॉन्केव मिरर और दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। मैं बात करता हूं कॉन्केव मिरर की। कौन से मिरर की? कॉन्केव मिरर की। ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका अपर्चर है एक्स वाई, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस पॉइंट है। अगर कोई रे पैरेलल है तो वो कहां पर आएगी? फोकस पे, पहली बात। दूसरा, अगर कॉन्वेक्स है, कोई रे अगर पैरेलल है, ये पोल है, ये अपर्चर है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो कहां से जाएगी? वापस निकलेगी। पर अगर मैं वर्चुअली देखूं तो वो कहां मिलेगी? फोकस पर। ये कॉन्वेक्स के लिए है। सेकेंड, अगर कोई लाइट रे फोकस पर आती है तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। वो कोई भी लाइट रे हो सकती है, कोई एक ही नहीं, मैंने तो आप लोगों को एक बना के दिखाई, आप बहुत सारी भी देख सकते हैं। बस वो लाइट रे फोकस से अगर पास है तो पैरेलल हो जाएगी। और अगर कोई भी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके पैरेलल आ रही है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी, ये कंफर्म है। और अगर कोई फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। सेम दोनों में यही केसेस हैं आप लोगों के। इसके अलावा एरो से आप समझ सकते हैं, एरो लगाने बहुत जरूरी है। ये देखो एरो कहता है कि लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। किससे जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाती है। किससे वापस हो जाती है? सेंटर कर्वेचर से। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है? प्लेन मिरर में आप लोगों ने चीज सीखी थी, वो ये थी कि अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर आती है तो वो परपेंडिकुलरली वापस चली जाती है। सेम ऐसे ही अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो 110% ये कंफर्म है कि पोल के साथ, यानी कि सॉरी पोल के साथ ही अपर्चर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। वो एक नॉर्मल का काम करेगी। किसका काम करेगी? नॉर्मल का। जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो लाइट रे आप लोगों की वैसे की वैसी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेम इसी कंसेप्ट से जो हमने किसमें पढ़ा था? नॉर्मल में, पिछली वीडियो में पढ़ा था। ये हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली लाइन है, ये और भी बहुत सारी हो सकती है। सेम इसी के साथ ये वाला केसेस भी एग्जिस्ट करता है। लास्ट, अगर कोई पोल पर पड़ती है डायरेक्ट, किस पर पड़ती है? पोल पर आती है तो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों केसेस में क्या है कि ये सब केसेस, ये क्या है? इमेज फॉर्मेशन के केसेस है। जब मैं इमेज बनाऊंगा तो इन केसेस को यूज करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? यूज करूंगा। तो यूज करने के लिए सबसे पहले आप मेरी बात समझेंगे। वो क्या समझेंगे कि कॉन्केव में ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। वो क्या है? पैरेलल है तो फोकस पे, फोकस है तो पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वापस उसी पाथ से, और अगर पोल पर आती है तो वापस आएगी उसी एंगल से। सेम कॉन्वेक्स के लिए है, पैरेलल है तो फोकस से दूर जाएगी, बट अगर मैं वर्चुअली देखूं तो वो फोकस पे आकर के ही मिल जाएगी। अगर वो फोकस पे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही थी तो वैसे की वैसे ही वापस हो जाएगी। अगर वो लाइट रे पोल पर आ रही थी तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को इसी में ही आगे इमेजेस फॉर्मेशन बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर है, एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर।
तो मैं आप लोगों को सबसे पहले कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशंस बताऊंगा जो कि क्या है। फटाफट से देखेंगे आप सभी लोग। एज यू ऑल नो दैट, मैंने अभी बताया कि जो कॉनकेव मिरर है मेरा, कॉनकेव मिरर के जो मेरे केसेस होते हैं वो रियल केसेस होते हैं। कैसे केसेस होते हैं? रियल केसेस होते हैं। तो रियल केसेस होने की वजह से उसमें कितने केसेस बनेंगे जरा आप लोग देखो, क्योंकि उसका फोकस भी इधर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है। तो एक या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखो, एक ऐसा पॉइंट जिसको हम कंसिडर देख ही नहीं सकते, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखो, या फिर एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे रखा हो, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, या फिर इन दोनों के बीच में रखा हो, या फिर फोकस पे रखा हो, और या फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों मतलब पोल के बीच में रखा हो। यहाँ पर ये बात समझनी बहुत जरूरी है आप लोगों को। यहाँ पर छह केसेस होते हैं, पर कॉन्वेक्स में ये छह केसेस नहीं होते। ऐसा क्यों है कि कॉन्वेक्स में ये छह केसेस नहीं होते हैं? इसका एक सबसे बड़ा रीजन वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा होगा और कॉनकेव में मेरे पास रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर और रियल फोकस है। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स देयर इज नो रियल फोकस एंड नो रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो आइदर द ऑब्जेक्ट विल प्लेस्ड एट इंफिनिटी और इट विल प्लेस्ड एट सम फिक्स्ड डिस्टेंस दैट वी कैन मेजर। या तो इंफिनिटी पे रखा होगा या किसी ऐसे डिस्टेंस पे रखा होगा जिसको मैं मेजर करूंगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे कॉनकेव के छह केसेस हैं, किसके केसेस हैं? कॉनकेव मिरर के छह केसेस हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी से। इसलिए मैंने ये इसलिए रब नहीं किया जिससे आप लोग ये भी देखते रहे और साथ में ये भी देख लें। कॉनकेव मिरर का जो सबसे पहला केस है, देखो बच्चों ध्यान से, ड्रॉइंग में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप लोग खुद से कंसिडर कर लेना, क्योंकि थोड़ा स्पीडली काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस है इंफिनिटी। इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर एक नाम दे दूं ए बी, तो ये ऑब्जेक्ट से कुछ रेज आएंगे इंफिनिटी से, जो कि क्या हो जाएंगी आपकी पैरेलल है इंफिनिटी से, कुछ रेज है जो कि पैरेलल है, और पैरेलल होने के बाद आप लोगों को पता है क्या होती है, क्या होती है वो आपका फोकस की तरफ जाती है। किधर की तरफ जाती है? फोकस की तरफ। अगर मैं ये बात देखूं, कंसीडर करूं, तो ये कहां मीट हुआ? फोकस पे जाके मीट हुआ। तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो तीन बातों का ध्यान रखेंगे। कितनी बातों का? तीन बातों का। सबसे पहले उसके नेचर, कि उसका नेचर कैसा होगा, दूसरा वो कहां बनेगी, और तीसरा उसका साइज। नेचर, पोजिशन एंड साइज, नेचर, पोजीशन एंड साइज, ये तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखो ध्यान से, ये बनेगी कहां? एट एफ, यानी कि फोकस, एट फोकस पर। दूसरा जो है वो क्या है? इसकी नेचर, दैट विल बी सेम साइड है तो क्या बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अगर वो सेम साइड है तो रियल एंड इन्वर्टेड, अपोजिट साइड है तो वर्चुअल एंड इज एंगल। और जो तीसरा पार्ट है इसका वो क्या है? इसकी साइज, इट इज वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड। वेरी डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल। मैं इसको पॉइंट साइज भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं बच्चों? पॉइंट साइज भी कह सकता हूं। ये इसका फर्स्ट केस था। देखिए बच्चों, इसका ये सेकेंड केस है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर फोकस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है देखो, अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रखा है तो एक लाइट रे मैंने ये ले ली जो कि पैरेलल आ रही है। पैरेलल आने के बाद वो कंफर्म है, कहां आएगी बच्चों? फोकस पे आएगी, ये कंफर्म है। दूसरी लाइट रे में क्या करता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल लेता हूं। किससे निकाल लेता हूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर मैं उस लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालता हूं तो वो उसी पाथ से वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं? या फिर मैं फोकस से भी निकाल सकता हूं, तो चलो मैं फोकस से निकाल लेता हूं। अगर मैं उस लाइट रे को फोकस से निकालता हूं तो वो टकराने के बाद क्या होगी? वापस आएगी, पैरेलल हो जाएगी, और जिस पॉइंट पर मीट होगी वहां इमेज बनेगी। अगर मैं इसका नाम रख देता हूं ए बी, तो इस इमेज का नाम भी क्या होगा बच्चों? ए डैश बी डैश। तो मेरी जो इमेज है उसका क्या नाम है? ए डैश बी डैश। अगर मैं बात करूं ए डैश बी डैश की, तो आप देखिए ये अपर साइड है और ये क्या है? लोअर साइड है।
तो लोअर साइड है तो कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज है। इन्वर्टेड का मतलब होता है बच्चों उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैं बात करूं कि ये कहां बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बन रही है। तीसरा इसका साइज, इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल होगा, वेरी डिमिनिश तो नहीं होगा बस कुछ स्मॉल होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, इसका सेकंड केस क्लियर है या नहीं। अब मैं बात करता हूं इसके थर्ड केस की, कौन से केस की बच्चों, थर्ड केस की। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कहां रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। आप लोग बड़ी ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये रखा, ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। देखो ये आई इमेज, इमेज फॉर्म करने के लिए रेज चाहिए होती है, ये मैंने आपको बताया ही था, तो ये मैंने रेज प्रोड्यूस कर दी। सबसे पहले आप लोग यहां ध्यान से देखेंगे कि ये मैंने रेज प्रोड्यूस करी है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक रे पैरेलल फोकस पे डाल दूंगा या नहीं, देखो कुछ अगर हल्का सा स्लैंटिंग हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा कंसिडरेबल कर लेना, बट ये बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज बनी है, लगभग लगभग ये यहीं पर ही बनेगी। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाकर के ही मीट होगी। फिर उसकी तीन कंडीशन आपको लिखनी है, सबसे पहला कहां बनी है, एट सी, अगर सी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो सी पर ही इमेज बनेगी, कहां पर बनेगी, सी पर ही इमेज बनेगी। दूसरा क्या कि वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि सेम साइज है आर एंड आई। तीसरा कैसा साइज होगा, सेम साइज होगा, क्यों, क्योंकि वहीं पर ही बन रही है, तो देयर इज नो चेंज इन द साइज। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट थ्री केसेस समझते हैं। अगर ये तीन केसेस समझ में आए तो बहुत जल्दी से इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट के थ्री केसेस करते हैं। उधर का पार्ट इसीलिए रब नहीं किया जिससे कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि आगे इसमें क्या होने वाला है। देखिए जरा ध्यान से, फोर्थ पार्ट की तरफ अगर मैं चलता हूं तो ये मेरा क्या होगा, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, एक पैरेलल रे ली और वो कहां से ली बच्चों, वो गई फोकस से। मैं और कोई भी रे ले सकता हूं, तो मैं एक रे ले रहा हूं, कौन सी, जो पोल पे जा रही है। अगर पोल पे कोई ले जा रही है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी या नहीं होगी, बताओ बच्चों, तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अगर वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो कहां मिलेगी, पीछे जाके कहीं ना कहीं तो मिलेगी। तो इसका मतलब अगर ये ए बी था तो इस केस में जो ए बी होगा, ए डैश बी डैश, इमेज बहुत हाई होगी, बहुत लार्ज बनेगी, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे इमेज बनी है। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे कि कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि सेम साइड है। इसके अलावा कैसी है, लार्ज है साइज में, कैसी है बच्चों, लार्ज है साइज में। फिफ्थ केस पे अगर हम चलें तो देखो बच्चों, फिफ्थ केस क्या है, फिफ्थ केस है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पे रखा है, पूरा ही होने वाला है, आप लोग बस थोड़ा सा बने रहे वीडियो में, बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा। फोकस पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर फोकस में मेरा ये ऑब्जेक्ट रखा है तो ये पैरेलल रे आई और फोकस से जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी बिल्कुल। दूसरी रे मैंने क्या करा, मैंने ये पोल पर डाल दी, तो वो पोल पर डालने वाली रे जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से जाएगी। तो अगर आप लोग देखें तो क्या ये दोनों रे पैरेलल है या नहीं है, ये दोनों रेज पैरेलल है या नहीं, हाँ बिल्कुल ये पैरेलल है। तो जो मेरी इमेज है वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी, बहुत ही लार्ज हो सकती है, तो कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी, कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी। सेम साइड है तो रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो वेरी लार्ज भी होगी साइज में, साइज में कैसी होगी बच्चों, वेरी लार्ज भी होगी। इसका मैं एक लास्ट केस आप लोगों को पढ़ा देता हूं, वो क्या होगा आपका कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस और पोल के बीच में, ये इसका एक स्पेशल केस भी है, डेंटिस्ट लोग इसी केस को यूज भी करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। फोकस और पोल के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, ये देखो ये रहा, तो अगर पैरेलल रे डालता हूं तो वो कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर वो पैरेलल रे मेरी फोकस से पास हो रही है तो दूसरी रे कहां से डाल दूं,
पोल पर डाल देता हूँ, पोल पर जिस एंगल से डालूंगा उसी एंगल से वो वापिस जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं ये डिस्टेंस जो है आप लोगों का दूर हो रहा है, तो ये इस साइड तो नहीं मिलेगी, ये तो कन्फर्म है। तो फिर ये किधर मिलेंगी, ये दूसरी साइड मिलेंगी जाकर के। तो आपने देखा ये कहां मिली, इस पॉइंट पर मिली। तो इमेज कितनी बड़ी, वेरी लार्ज, इट्स वेरी हाई, इट्स वेरी वेरी एनलार्ज्ड इमेज। और अपोजिट साइड है तो मेरी क्या बनेगी, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो आप लिखेंगे बियॉन्ड द मिरर, क्या लिखेंगे बच्चों, बियॉन्ड द मिरर बनी है मेरी इमेज। कैसी बनी है, बियॉन्ड द मिरर बनी है। सेकंड क्या लिखेंगे आप लोग, सेकंड क्या लिखेंगे, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड पॉइंट जो आप लोग लिखेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वो क्या है आपका, इट इज हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। ये क्या होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत ही ज्यादा एनलार्ज्ड होगी। कौन के छह के छह केसेस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आप लोगों के लिए कॉन्वेक्स के लास्ट टू केसेस लेकर के आ रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक ही वीडियो में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका फ्लो भी बना रहेगा और आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। कॉन्वेक्स के केवल दो ही केसेस हैं तो जल्दी खत्म हो जाएगा वीडियो, आपको ज्यादा लंबी ना लगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा तेजी से भी चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये फोकस है और ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये क्या पॉइंट है बच्चों, ये पोल पॉइंट है। अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज करो ये इन्फिनिटी पॉइंट है, तो यहां से एक रे कैसी आई, पैरेलल आई, एक रे कैसी आई, पैरेलल आई, ये लाइट रेज है। तो ये कंफर्म है, कहां मिलनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए आप लोगों की रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए, और रिफ्लेक्ट बैक होकर के कहां मिलनी चाहिए आपकी, फोकस पे मिलनी चाहिए। तो इसका क्या होना चाहिए, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कहां बनेगी, एट एफ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर एट एफ पे। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया आप लोगों का इसमें समझने के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों, क्योंकि अपोजिट साइज है और वेरी डिमिनिश्ड, बहुत ही स्मॉल इमेज बनेगी, बहुत ही स्मॉल, पॉइंट साइज बनेगी। एक केस तो इसका ये है, दूसरा जो कि लास्ट केस है बच्चों इसका, ये वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे बस इस केस के बाद। देखो ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोगों को, ये पोल है, ये फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रखा है जो आप लोगों को पता है। तो अगर मैं इसका ये केस ले लेता हूं तो लाइट कुछ ऐसे निकलेगी या नहीं निकलेगी, जो कि कहां मीट होगी, कहीं फोकस पे जाके। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वर्चुअली मीट होगी, ठीक है या नहीं, ठीक है। अगर मैं इसका एक और केस ले लेता हूं पोल वाला, तो ये पोल की लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो क्या ये दोनों लाइटें आपस में कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो मुझे इसे वर्चुअली पीछे प्रोड्यूस करना होगा। अगर मैं इसे पीछे प्रोड्यूस करता हूं तो इमेज यहां बनती है, तो इमेज कहां बनेगी मेरी, बिटवीन पोल एंड फोकस पर, कहां बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस पर होगी। कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि अपोजिट साइड बनेगी। और साइज में कैसी होगी बच्चों, स्मॉल होगी, कैसी होगी, स्मॉल होगी। उम्मीद करता हूं ये छह के छह केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर और टू केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मैंने थोड़ा तेजी से कराए हैं, बट तेजी से कराने का यही मेरा पॉइंट था, जिससे कि आप लोग एक ही वीडियो में ये सारी चीजें पा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक टेबल आप लोगों के लिए ले आऊंगा, वो टेबल आप लोग समझेंगे और हम लोग मिरर फॉर्मूला करेंगे। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे कि हम रिफ्लेक्शन का सारा पार्ट कर लें और फिर बाद में हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। I think you like the video and do comment also, subscribe my channel, and have any problem you can ask me, do watch my previous videos in the link below over there.